अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड वेलकम टू एस टी किचन मैं हूं आपकी होस्ट आपकी दोस्त और आप देख रहे हैं एस टी किचन तो जी एक नई रेसिपी लेके हम आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुके हैं आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है बहुत ही शानदार है लेकिन आज की रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि आपने मुझे पतीसे वाली रेसिपी पर बहुत प्यार दिया है उस पर मेरे वन मिलियन व्यूज़ पूरे हो चुके हैं तो उसी खुशी में मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ पतीसा बर्फ़ी बहुत ही परफेक्ट बनती है बहुत ही तैयार बनती है आप इसको पहली मर्तबा पूरी वीडियो को वाच करने के बाद बनाएंगे तो बहुत परफेक्ट तैयार होगी तो जी जल्दी से आप मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक तो फिर आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं जी तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लेंगे एक पैन इसको मैंने गैस पे रख दिया है फ्लेम ऑन है फ्लेम है जो वो मैंने मीडियम टू लो रखा है अब इसमें हम ऐड कर देंगे एक कप घी अगर ग्रामेज में देखा जाए तो ये 125 ग्राम है तो घी को हम हल्का सा गरम कर लेंगे जी तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम एक कप मैदा मैदा जो है अगर ग्रामेज में देखा जाए तो ये एटी फाइव ग्राम है और इसी कप से हम डाल देंगे एक कप बेसन अगर ग्रामेज में देखा जाए तो ये भी एटी फाइव ग्राम है अब इनको हम अच्छी तरह से भून लेंगे लगातार हम इसको चम्मच लाते हुए भूनेंगे एक अच्छी सी खुशबू आने तक फ्लेम यहाँ पे हम मीडियम टू लो रखेंगे क्योंकि अगर इसको हम हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो ये जल जाएगा हमने इसको रोस्ट करना है इसका कलर अच्छा आने तक इसका कलर अच्छा आ जाए इसमें खुशबू बहुत अच्छी आए तो इसको लगातार चलाते हुए हम इसको पकाएंगे अभी तो ये थिक है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये पतला होना शुरू हो जाएगा इस तरह से हम लगातार पैचला को स्टेर करेंगे और इसको हम रोस्ट करेंगे जी तो जैसे ही इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और इसमें खुशबू आना शुरू हो जाएगी एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो हम इसको जो है वो उतार लेंगे लेकिन अभी हम इसको रोस्ट करते जाएंगे और तकरीबन तो इसमें लगेंगे हमें पाँच से सात मिनट लगेंगे इसको रोस्ट करने में क्योंकि हमने इसको लो फ्लेम पर रोस्ट करना है तो आप देख रहे हैं कि देखें आहिस्ता आिस्ता ये पतला होना शुरू हो गया है इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें आप ये देखें कितना पतला हो गया है लेकिन अभी हम इसको भूनते जाएंगे तकरीबन अभी तो मेरे हाल में दो मिनट हुए हैं इसको भूनते हुए तो तकरीबन इसको पाँच मिनट तक हम और रोस्ट करेंगे जी तो फ्रेंड्स बेसन और मैदा हमारा अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है तकरीबन सात मिनट हो गए हैं मुझे इसको रोस्ट करते हुए अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ़ और फ्लेम को ऑफ़ कर देने के बाद हम इसको दो तीन मिनट तक यूँ ही चलाते रहेंगे क्योंकि पैन जो होता है बहुत ज़्यादा हीटअप होता है क्योंकि ये काफ़ी मोटा पैन है तो साइडें की साफ कर लेंगे हम अब क्या करेंगे हम इसको हम रखेंगे साइड पे और अगला स्टेप स्टार्ट करते हैं जी तो फ्रेंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे हम लेंगे एक कढ़ाई अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया और इसमें हम डाल देंगे दो कप शुगर तो ये जो दो कप शुगर है ये तकरीबन 250 ग्राम चीनी है अब इसी कप से हम एक कप इसमें पानी डाल देंगे तो पानी जो है वो टू फिफ्टी है अब इसकी हम चाशनी तैयार करेंगे फ्लेम करेंगे ऑन जी तो चाशनी को हम लो फ्लेम पे बनाएंगे हम फ्लेम हाई नहीं करेंगे क्योंकि चीनी हमारी जल भी सकती है तो इसलिए हमने फ्लेम लो रखना है इस रेसिपी में जितना भी मैंने आपको जो भी मैंने बनाना सिखाया है अभी तक तो उस सब में मैंने फ्लेम लो रखा है फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे हाई फ्लेम नहीं करेंगे हाई फ्लेम करने से हमारी जो रेसिपी है वो ख़राब हो सकती है तो जी जब तक हमारी चाशनी तैयार होती है चीनी मेल्ट होती है हम लेंगे एक ट्रे और ट्रे को हम कर लेंगे ग्रीस ऑयल के साथ तो इसको हम पहले ही ग्रीस करके रख लेते हैं क्योंकि चाशनी हमने इसमें निकालनी है इसलिए मैंने इसको ग्रीस कर लिया है तो मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि हम ये जो चाशनी तैयार कर रहे हैं यानी कि पतीसे की चाशनी और पतीसा बर्फी की चाशनी एक ही तरीके से तैयार की जाती है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है जैसी कंसिस्टेंसी हमने उसकी रखी है वैसी ही इसकी रखनी है तो अभी हम चीनी को होने देंगे मेल्ट तो फिर नेक्स्ट बताती हूँ मैं हम क्या करेंगे फ्लेम यहाँ पर मैंने मीडियम टू लो रखा है हाई फ्लेम नहीं करेंगे बार बार आपको बताने का मकसद ये है कि आप कहीं फ्लेम हाई ना कर दें और शीरा एकदम से तैयार ना हो जाए तो अगर ये एकदम से तैयार हो गया तो जो हमें चाहिए वैसा तैयार नहीं होगा जी तो फ्रेंड्स देखें चीनी मेल्ट हो चुकी है तकरीबन ये थोड़ी सी ही रह गई है इसको भी हम मेल्ट कर लेंगे ये देखिए शीरा जो है वो हमारा तैयार हो चुका है यानी कि जो शुगर थी वो सारी की सारी इसमें से मेल्ट हो चुकी है अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये इसमें हम कर देंगे वन टेबल स्पून लेमन जूस ऐड तो ये ऐड करना लाजमी है वरना आपकी जो चाशनी हम तैयार कर रहे हैं वो ख़राब हो सकती है विदाउट लेमन आपने इसको बिल्कुल भी नहीं बनाना अगर लेमन नहीं है आपके पास तो आप इसमें सिरका ऐड कर सकते हैं लेकिन ये आपने लाजमी 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 ऐड करना है जी तो कोई भी अगर मिठाई तैयार की जाती है तो उसके लिए हमने चाशनी में लेमन लाजमी डालना होता है क्योंकि अगर हम लेमन नहीं डालेंगे तो वो क्रिस्टलाइज़ हो जाएगी और बिल्कुल भी हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी जो चीज़ें हम बना रहे हैं वो अच्छी नहीं बनेगी स्वीट की जो भी चीज़ बनाई जाती है उसमें लाजमी तौर पर लेमन या फिर सिक्का ऐड किया जाता है इसको क्रिस्टलाइज होने से बचाने के लिए और अभी ये पतली है हम इसको चेक नहीं करेंगे लेकिन जैसे ये गाड़ी होना शुरू होगी अभी ये देखें जो मैं इसके ड्रॉप्स गिरा रही हूँ तो कितनी तेज़ी से गिर रहे हैं लेकिन जब ये गाड़ी हो जाएगी तो इसके ड्रॉप्स जो हैं वो तार की सूरत में गिरेंगे तो वही परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी होगी जी तो देखिए चाशनी हमारी तैयार हो रही है मैं आपको एक चीज़ चेक करवाती हूँ कि ये देखें इसके साइड में आपको चेक करवाती हूँ कि आपको यहाँ पे चीनी का एक क्रिस्टल भी नज़र नहीं आएगा ज़रा सी शुगर आपको नज़र नहीं आएगी तो यही वजह होती है कि हम इसमें लेमन ऐड करते हैं तो लेमन ऐड करने से आपकी जो आप जो चाशनी तैयार कर रहे होते हैं वो बहुत परफेक्ट तैयार होती है तो देखें इसके साइडें आप ख़ुद चेक कर सकते हैं कि कितनी क्लियर है यहाँ पर देखें आपको चीनी का कोई दाना नहीं नज़र आएगा कोई क्रिस्टल नज़र नहीं आएगा तो अब इसको हम कर लेते हैं चेक कि ये तैयार हुई है या नहीं तो थोड़ा सा हम लेंगे कटोरी में पानी और इसके हम ड्रॉप्स गिराएंगे इसके अंदर और लेकिन ये देखें ड्रॉप्स जो है पानी के साथ मिक्स हो गए हैं इसका मतलब है ये भी रेडी नहीं हुई तो इसको थोड़ा सा और पकाएंगे हम तो जी अब फिर हम इसको चेक कर लेते हैं कटोरी में हम लेंगे पानी और इसको हम करते हैं थोड़ा सा चेक थोड़ा से ड्रॉप्स इसमें गिराएंगे तो इसको एक मिनट के लिए यूँ ही रेस्ट देंगे हम ताकि हमें पता चल सके इसकी बॉल तैयार हुई है कि नहीं तो ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी जो बाउल है वो तैयार हो गई है ये देखिए इसकी बॉल तैयार हो गई है अब हम स्टेज पे कर देंगे फ्लेम को ऑफ और चाशनी को हम थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर चूल्हे के ऊपर पड़ा रहने देंगे और इसमें थोड़ी देर के लिए हम चम्मच यूँ चलाएंगे ताकि इसके जो बबल्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं और इसमें जो पैन में जो हीट है वो भी ख़त्म हो जाए चलें जी ये हो गई है रेडी अब इसको हम दो से तीन मिनट तक ही पड़ा रहने देंगे और हम एक पैन को ग्रीस कर लेते हैं जिसमें हमने अपने पतीसे वाली बर्फ़ी को बना के निकालना है तो हम इसको हटाते हैं साइड पे करते हैं इसको जी तो देखिए मैंने पैन को ग्रीस कर लिया है जिसमें हमने अपने पतीसा बर्फ़ी को निकालना है अब हम इसमें बादाम लगा देंगे यूँ चलिए जी इसको हम करते हैं साइड पर और हम निकाल लेंगे इसमें चाशनी को तो इसको हम थोड़ा सा यूँ फिलाएँगे ताकि ये सेट हो जाए तो जी अब मैंने एक स्कैब लिया है इस पर थोड़ा सा लगा लेंगे हम ऑयल और शुगर को हम यूँ इकट्ठा करेंगे तो जब आप इसको इकट्ठा करेंगे ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए ये उसी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा तो ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है इसी से आपकी जो सोन पापड़ी है आपकी जो बर्फ़ी होगी वो बहुत परफेक्ट बनेगी बहुत अच्छी तैयार होगी तो ये काम जो है वो गर्म गर्म में ही आपने करना है ठंडा हो गया तो नहीं होगा तो फिर आप इस चाशनी को संभाल नहीं सकेंगे तो जी मैं भी थोड़ा सा अपने स्क्रबर को ग्रीस कर लेती हूँ पहले भी मैंने इसको ग्रीस किया था अब थोड़ा सा मज़ीद ग्रीस कर लेती हूँ ताकि इसके साथ शुगर सिरप चिपके ना थोड़ा थोड़ा हम ट्रे को जो घुमाते जाएंगे और इसको हम इकट्ठा करते जाएंगे तो मैं आपके साथ एक एक स्टेप जो है वो शेयर कर रही हूँ तो आपने इसको लाजमी फॉलो करना है ताकि आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बने बहुत परफ़ेक्ट बने और मुझे आप कमेंट में बताएं कि फ़र्स्ट टाइम पे ही आपकी जो बर्फ़ी है वो बहुत परफेक्ट तैयार हो गई है जी तो मेरे वो बहन और भाई जिन्होंने पहले पतीसा तैयार किया था तो उनकी शुगर ख़राब हो गई थी मुझे कमेंट आया थे कि उनकी शुगर जो है वो ख़राब हो गई है तो उसकी वजह यही थी कि आपने उसमें लेमन यूज़ नहीं किया होगा आपने उसको क्रिस्टलाइज होने से बचाया नहीं होगा इसीलिए आपकी जो शुगर है वो ख़राब हो गई थी जी तो अब इसको हम करते हैं साफ़ और हमने जो बेसन तैयार करके रखा था बे, बेसन और मैदा तैयार करके रखा था तो हम क्या करेंगे ये देखें इसको हम हल्का सा गर्म कर लेंगे क्योंकि ये ठंडा हो चुका है थोड़ा सा हम इसको गर्म कर लेते हैं जी तो ये हो गई है तैयार थोड़ा सा मैंने हाथों को कर लिया है ग्रीस और इसको हम यूँ उठाएँगे और हाथों पर डाल लेंगे सारा ही हम पैन से इकट्ठा कर लेंगे ताकि बहुत अच्छी सी हमारी रेसिपी तैयार हो हमारी बर्फी बहुत अच्छी तैयार हो ये देखें ये तैयार है तो अब हम इसको करते हैं साइड पे और हम लेंगे एक परात यूँ देखिए मैंने एक प्रात ले ली है और इसमें मैंने दो फोक लिए हैं और हमने जो बेसन और मैदा तैयार किया था हम इसमें डाल देंगे क्योंकि ये मेरा जो पैन है वो नॉन स्टिक है तो जब मैं इसमें कांटा चलाऊंगी इसमें मैं फोक चलाऊंगी तो वो ख़राब हो जाएगा नीचे से इसलिए मैंने इसको खुले बर्तन में निकाल लिया है लेकिन इसमें आपने क्या करना है इसको हल्का सा आपने गर्म कर लेना है ज़्यादा गर्म नहीं करना बिल्कुल हल्का सा आपने इसको गर्म करना है और गर्म करने के बाद ही आपने इसको निकालना है और अब हमने जो चाशनी तैयार की थी हम इसमें डाल देंगे और पैन को अच्छी तरह से हम बाकी की जो चाशनी लगी हुई है पैन में वो भी हम उतार लेंगे हम लेंगे दो फोग और हम यूँ इसको इसमें घुमाएंगे इस तरह से और हमने तब तक इसको घुमाना है कि जब तक इसके लच्छे ना बन जाएँ और चाशनी जो है वो अच्छी तरह से मैदे और बेसन को ऑब्ज़र्व ना कर ले और अगर आपके लोगे कि ये इसके क्रिस्टल बन रहे हैं तो आप इसको हल्का सा गर्म कर लें अभी ये गर्म है तो माशाल्लाह इसके लच्छे बन रहे हैं अभी ये देखें आपको चेक करवाती हूँ ये देखें और आपको एक और बात बता दूँ ये जो हमने इसमें बेसन डाला था और मैदा हमने जो डाला है ये बिल्कुल ऐसे ड्राई हो जाएगा जैसे कि चाशनी के अंदर हमने कोई चीज़ डाली ही नहीं ये इतना ज़्यादा इसमें ऑब्ज़र्व हो जाएगा तो देखें कितने परफेक्ट इसके रेशे तैयार हुए हैं तो अब हम क्या करेंगे जो हमने पैन को ग्रीस करके रखा था तो ये सारा जो है हम उसके अंदर डाल देंगे तो देखिए माशा ये कितनी परफेक्ट है तो अब हम इसे निकाल लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसे हम स्पेस्ला से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे ऊपर से इसको यूँ हम प्लेन कर देंगे ताकि ये बहुत खूबसूरत सी लगे तो जी इसको हम पाँच मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ते हैं फिर हम इसे निकालेंगे और इसकी कटिंग करेंगे जी तो पतीसा बर्फ़ी हमारी सेट हो चुकी है अब इसे हम प्लेट में निकालेंगे तो प्लेट को रखेंगे यूँ इसके ऊपर उल्टा और इसको हम यूँ थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो जी ये देखिए माशाल्लाह बहुत परफेक्ट तैयार हुई है तो इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं और इसकी अब हम करेंगे कटिंग हमारा बहुत ही मजेदार बहुत ही शानदार पतीसा बर्फी रेडी हो गई है मैंने इसको बहुत ही आसान तरीके से तैयार किया है बस आपने क्या करना है पूरी वीडियो को वॉच करना है कहीं से आपने इसको स्किप नहीं करना ताकि कोई भी ऐसी जरूरी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए जरूरी है वो आपसे मिस ना हो तो फिर जी सबसे लास्ट में सबसे लास्ट में आपने क्या करना है जी आपने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को करना है लाइक तो फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में अल्लाह हाफिज़